दोस्तों अगर आप पी किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको पता होगा कि जब से पीएम किसान योजना शुरू हुई तब से हर साल छ हजार रुपए किसानों को दिया जाता है और बीच में कई बार सुनने में आया कि पैसे बढ़ने वाले हैं बढ़ने वाले हैं किंतु अभी तक बढ़े नहीं थे किंतु इस आने वाले बजट में पैसे बढ़ने वाले हैं जी हाँ इस बार आपको पैसे बढ़कर मिलेंगे अभी तक छः हजार ही मिलते थे लेकिन अब आपको दोगुने भी पैसे मिल सकते हैं किसके पैसे बढ़ेंगे और किसको दोगुने मिलेंगे और उसके अलावा आपको उसके लिए करना क्या होगा इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट करके जरूर रखिएगा क्योंकि तो इस चैनल पर इस तरह के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि किन किन को इसका लाभ मिलेगा किसको पैसे बढ़ के मिलेंगे कितने मिलेंगे और उसके लिए आपको करना क्या होगा तो देखिए सबसे पहले मैं ट्विटर ओपन कर लेता हूँ और आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या आया है और किन किन को इसका लाभ मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे तो देखिए मैंने ट्वीट ओपन कर लिया है डॉक्टर कुरवार विजय शाह ये कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के और इन्होंने पोस्ट किया हुआ है देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसान हितैषी मोदी सरकार की देश के किसानों को बड़ी सौगात अंतरिम बजट के तहत होगा पीएम किसान सम्मान निधि के लिए तीन हजार की अतिरिक्त राशि का प्रावधान यानी कि केंद्र की तरफ से तीन हजार रुपए बढ़ाए जाएंगे अब बताते हैं आपको की दोगुना किसको मिलेगा तो देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक बड़ा सा पोस्टर भी जारी किया गया है मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात अंतरिम बजट में किसानों के लिए हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तीन हजार रुपए की वृद्धि लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे प्रतिवर्ष पंद्रह हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत नौ के हजार रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत छह हजार रुपए मध्य प्रदेश की जो सरकार है क्या तरफ से जो है आपको छ हजार रुपये दिया जाता है और छह हजार रुपये अभी तक जो है वो केंद्र की तरफ से दिया जाता है यानी टोटल बारह हजार और तीन हजार रुपये जो बढ़ने वाला है तो ये हो जाएगा टोटल पंद्रह हजार रुपये तो मध्य प्रदेश किसानों को मिलेगा पंद्रह हजार रुपये और उसके अलावा देश भर के सभी किसानों का तीन हजार रुपये बढ़ेगा तो जैसा कि छ हजार मिलता है तो अब जो है नौ हजार मिलेगा बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फाइनली अलाउंस नहीं हुआ है ये हो सकता है आपको मैंने दिखाया भी है और एक फरवरी को जो बजट आने वाला है उसमें इसका अलाउंसमेंट हो सकता है अगर ऐसा होता है तो एक फरवरी को बजट में आपको कंफर्म जानकारी मिल जाएगी हालांकि सुनने में ये कई बार से आ रहा था किंतु अभी तक नहीं बढ़ा था लेकिन आने वाले समय में लोकसभा का इलेक्शन भी होने वाला है इसलिए संभावना अधिक है कि शायद पैसे बढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं एक तारीख को आपको मालूम चल ही जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं तुरंत से उसका वीडियो बनाकर आपको सूचित करूंगा अब बताते हैं आपको कि करना क्या होगा आपको यानी कि अगर पैसे बढ़ भी जाते हैं तो आप क्या करेंगे तो आपको पैसा इसका मिलेगा यानी सोलहवीं किस्त आने वाली है बहुत जल्दी पर उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है तभी आपको सोलहवीं किस्त मिलेगी वरना हो सकता है कि आपका पैसा भी रुक सकता है और जो पैसा मिलने वाला है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है कि ना मिले तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और मैं जो प्रोसेस बताता हूँ उसको ध्यान जरूर रखिएगा और क्या करना है चलिए दिखाते हैं स्क्रीन पर तो देखिए मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है यहाँ पर टाइप करेंगे पीएम किसान ये मैंने टाइप कर लिया इसको सर्च करते हैं अब देखिए सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ गई है पी एम किसान डॉट जी ओ वी डॉट इन इस पर क्लिक कर देंगे अब देखिए एक पोस्टर यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वरना इसको मैं कट कर देता हूं और ये पेज ओपन हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आते हैं तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नो योर स्टेटस तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है न्यू भी लिखा हुआ है साथ में नो योर स्टेटस न्यू तो इसी पर क्लिक कर देंगे अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डायरेक्ट डाल देंगे अगर नहीं है तो फिर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद में सेंड ओ करेंगे तो आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओ आ जाएगा और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेता हूँ उसके बाद में कैप्चा फिल कर लेंगे ये मैंने कैप्चा फिल कर लिया है देखिए नीचे लिखा हुआ है ओ टी पी विल बी सेंड टू योर ई के वाई सी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो ई के वाई सी आपने जिस नंबर से किया होगा उस पर ओ टी पी भेजा जाएगा तो गेट ओ टी पी पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ओ टी पी सेंड हो गया है तो ओ टी पी आ चुका है मैं टाइप कर लेता हूँ उसके बाद में गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो देखिए गेट डाटा पर जब क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप पूरी तरह से पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका ए के वाई सी डन होना चाहिए ग्रीन टिक लगा होना चाहिए और लैंड सीडिंग यस होना चाहिए और जो आपका आधार सीडिंग होता है वो भी यस होना चाहिए यानी कि उसमें भी ग्रीन टिक लगा होना चाहिए जो डी बी टी लिंक होता है वो तो इस तरह से सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर वहां पर कुछ भी रेड क्रॉस में लगा हुआ आता है तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर कर लेना है वरना फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपको जो सोलहवीं के मिलने वाली है वो रुक सकती है तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है ताकि आपको सोलहवीं के से समय से मिल सके और आपको पता होगा हर साल एक फरवरी को बजट पेश किया जाता है तो एक फरवरी को फाइनल हो जाएगा कि आपको जो पैसे बढ़ के मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे तो मैंने अभी ट्वीट दिखाया हुआ है तो वो अगर फाइनल हो जाता है तो आपको एक तारीख को मालूम चल जाएगा चलिए मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जय हिंद